हमने अपनी फीस भरनी थी, सो अभी हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ ताकि हम अपनी इस गाड़ी से सामान उतारें और उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करें। और गाइस हम लोग अपने पिटॉक एरिया में आ गए, अपने कनोपी के पास ये सब गाड़ियाँ क्यों पूरी हैं। और अभी हमारी सपोर्टिंग पुली टूट गई है गाड़ी की, क्योंकि हमारा ट्रिप मंसूरी हो रहा है 2-3 मार्च को और बहुत ही क्रेजी इवेंट होने वाला है इस दफ़ा, बिकॉज इस दफ़ा माशाल्लाह मोर देन 25-30 कार्स हैं। तो इस दफ़ा का शो मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है और ये इस दफ़ा यूनिक बात यह है कि स्पेक्टेटर्स के लिए भी अलाउड है। सो द थिंग इज़ अगर आप लोग ऑब्वियसली जब मैं व्लॉग लगाऊंगा तब तक ये मंसूरी हो चुका होगा, बट एनी हाउ लोगों को पता है कि bookme.pk पे इसकी टिकट्स अवेलेबल है, सो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम इवेंट करेंगे तो उसमें भी यही तरीक़ेकार होगा। तो एनी हाउ अभी मैं चलता हूँ लाहौर, आगे की वाइब आपको लाहौर में ट्रैक पे दिखाता हूँ। और एक गाइज हम लोग चारों इकट्ठे हो गए हैं, अमान, फ्रेडी और जफर, और हम लोग जो है बारात के पीछे लग गए हैं। आप पीछे आगे देख रहे होंगे एक गाड़ी जा रही है शादी वाली, हमने सोचा इसी के साथ चल रहे हैं क्योंकि चारों को इतनी भूख लग रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बेगानी शादी में पहले खाना खाते हैं फिर ऐसे गार्डन चलते हैं, क्या बोलते हैं अमान? चलते हैं फिर पहले हैं खाना खाते हैं पहले। खाना बहुत ज़रूरी है गाइस, और इस वक्त हम जो है वो काला शाकाकू के बिल्कुल करीब हैं और ऐसे गार्डन जा रहे हैं। तो ऐसे गार्डन पहुंच के आपको ट्रैक की वाइब दिखाते हैं। मौसम तो यहाँ बहुत खूबसूरत है, आसार तो यही है कि बारिश होगी, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि आज भी बारिश है, कल काफ़ी आई थिंक 80% प्रिडिक्शन है ना। तो हम तो ये चाहते हैं बारिश ना हो क्योंकि हमारे 2 ही दिन हैं ट्रैक इवेंट के, ऑब्वियसली बारिश होगी तो स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे उस तरह से। खैर एनीवेज होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अभी ट्रैक पे चलते हैं और फिर चल के आप लोगों को ट्रैक दिखाते हैं कि ट्रैक पे क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं, हमने भी नहीं देखे, हम भी चल के देखते हैं क्या सीन है। हाँ क्या सीन है, बहुत हमने पूरी तैयारी की हुई है अपनी, आप देख रहे हैं हमारी पूरी तैयारी है। हम बारिश हो रही है, कल भी एक्सपेक्टेड है जैसे मैंने बताया था 80% बारिश, तो हम अपने पेडॉक की सेटिंग करने लगे, वो आप लोगों को दिखा दोगे कैसी होती है पेडॉक की सीन, आपको पेडॉक दिखाते हैं, हैवी सीन है पेडॉक का इंशाल्लाह। बारिश हो रही है, मतलब शुक्र है हमने अपना कैनोपी सेट कर दी है और हम इसके अंदर ही आ गए हैं। जरा दिखाना है यार घूम के, जरा स्टिकर वगैरह ये हमने पूरा प्रिंट करा है इस तरह से, अदीदास 35 बनीगन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीचे जो जो इक्विपमेंट हमने यूज़ किया हुआ है जो जो कंपनीज का, ठीक है। अभी हम ऑलमोस्ट रेडी पर हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके अभी जाएंगे, कल मेन डे है मंसूरी का फर्स्ट डे। और एट गाइज हम लोगों ने अपना पेडॉक सेट कर लिया, पेडॉक आप लोगों को दिखाया होगा, अभी पेडॉक दिखाओ भाई, ये पेडॉक हमने सेट कर लिया और ये गाड़ी हम ऑफ लोड करके अपने सारा सामान यहाँ पे सेट करके जा रहे हैं क्योंकि कल हमारा डे है, तो हमने सोचा आज आके अपनी हर चीज़ को रेडी करके जाएँ ताकि कल हमारा टाइम बचे। सो पेडॉक आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा जो बेसिकली पेडॉक कह रहा हूँ, जो कैनोपी हम लोगों ने डिज़ाइन की है, ये आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छा बहुत जी हम लोग आए हैं, हमारा अंडा पक रहा है, सुबह सुबह पराठे अंडा, टीम पूरी रेडी है हमारी अदीला 35। हाँ भाई तो भाई अब हम लोग यहाँ से नाश्ता करके ट्रैक पे जा रहे हैं और अभी ट्रैक पे पहुँच के आपको ट्रैक की वाइब दिखा दूँ कितनी गाड़ी आ गई और कितनी रह गई, तो आए चलते हैं। लोग भाई अपनी बेसिकली जो वेवर साइन था वो कर दिए और ये हमें ड्राइवर क्रू, हमने अपनी फीस भरनी थी, यहाँ पे सब हो रहा है आप लोगों ने भी देखा होगा। सो अभी हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ ताकि हम अपनी इस गाड़ी से सामान उतारें और
उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, ब्रीफिंग होगी बेसिकली उसके बाद। और गाइस हम लोग अपने ये पिटॉक एरिया में आ गए अपने कनोपी के पास, ये सब गाड़ियाँ क्यों अप हो रही हैं और हम अभी अपने टायर्स कुछ गलत चढ़ गए, उनको चेंज करा रहे हैं और हमारे इक्विपमेंट हमने टायर्स रख दिए हैं, टेबल कार हमारी रेडी है, बस हमें साफ़ करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको पहले क्लीन कर लें। और ये हसन रोटा की गाड़ी लग रही है, उसकी GTR, सो ये वाइब है अभी फ़िलहाल। और मज़ीद गाड़ियाँ अभी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, ये हम टायर्स भेज रहे हैं चेंज कराने के लिए। बस ये दो टायर्स आ गए, ये चेंज, ठीक है भाई साहब। ये मीडिया टीम छोड़ के हमारी RC कहाँ चला रहे, इधर कर ले, मेरी गाड़ी नीचे नहीं आनी चाहिए, इधर कर, इधर इधर वापस कर, इधर गाड़ी चलो वापस पेडॉक में। अभी गाड़ियाँ क्यू अप वहाँ से हो रही हैं, हमारा प्लान है कि अब जो इस्लामाबाद वाली गाड़ियाँ हैं वो इधर क्यू अप करें, ताकि वो एक देखने में भी ये जगह खूबसूरत लगे। और वैसे भी वो एंडिंग पॉइंट है, हमें वहाँ से बहुत तेज़ आती है, एंट्रियाँ होती हैं। ये गाड़ियाँ लगा रहे हैं, बैटरी गाड़ी भी आ गई है फाइनली। हमने फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल फ्रंट पे रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो उसको पता हो कि इधर फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ था, इन केस अगर किसी को याद नहीं आ रहा होता तो उनको देख के नज़र आ जाए। सो हमने टायर्स अपने क्यू अप कर दिए हैं, कुछ टायर्स हमारे आने हैं, हमने अपना GoPro वगैरह सब सेट कर दिया है, यानी हम बस रेडी हैं, फ्यूल का वेट कर रहे हैं और वो ताला आ रहा है उसका वेट कर रहे हैं। ब्रीफिंग रूम में आ गए हम सर, यहाँ हमें ब्रीफ किया जाएगा रिगार्डिंग लेआउट एंड डिस्प्ले। तो गाइस ये हम ब्रीफिंग रूम के अंदर हैं, बॉयज सारे, ऑलमोस्ट बहुत सारे बॉयज हैं जिनको हम नहीं जानते। इनको तो सब जानते होंगे, इस्लामाबाद किंग है, स्ट्रीट किंग, पुलिस वालों को नाक में दम कर रखे हैं इस्लामाबाद की। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करेंगे, ठीक है। ये कोई बंदा है जिसको हम जानते हैं, जिसने कोई टर्न जो है बहुत ज्यादा थ्रॉटल पे नहीं है, करके आया हूँ। और अभी लोग ऑलमोस्ट सब रेडी हैं, ये देखें वाइब कहाँ तक गाड़ी है माशाल्लाह। ये हमारा पेडॉक लगा हुआ है, हमारा कनोपी लगा हुआ है बेसिकली, ये उमर आ रहा है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं वन बाय वन ट्रैक के लिए। अभी इनके साथ जाके मैं कोशिश करूँगा, टैंडम रन्स करूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ।
और गाइस अभी हम 2-3 रन स्टैंडम के करके आए हैं और अभी हमारी सपोर्टिंग पुली टूट गई है गाड़ी की, आई डोंट नो व्हाई, जो मेन पुली के पीछे वाली है। सो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, हमें इसको खोल के चेक करेंगे कि इधर ये बड़ा काम है या यहीं से सही हो जाएगा। लेट्स सी।